मोदी बोले चूक हुई तो देश का धन लूट जाएगा। पीएम ने आईएएस से कहा राजनीतिक दलों का ध्यान रखें। वे टैक्स पेयर्स का पैसा कहां खर्च रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 16वें सिविल सर्विस डे पर दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे, जहां उन्होंने आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने करीब 33 मिनट तक स्पीच दी। दो दिन तक चलने वाले सिविल सेवा दिवस 2023 की थी विकसित भारत, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम छोर तक पहुंचाना है। इस दौरान उन्होंने कहा देश ने आप पर बहुत भरोसा किया है, आपको मौका दिया है, उस भरोसे को कायम रखते हुए काम करिए। आपकी सर्विस में आपके निर्णयों का आधार सिर्फ और सिर्फ देश हित होना चाहिए। पीएम ने कहा जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है उस पर ध्यान रखें, वो टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल अपने दल के लिए कर रहा है या देश हित के लिए, यह आपको देखना होगा। सरदार पटेल जिस ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते हैं उसे पूरा कराना है। ब्यूरोक्रेसी से चूक हुई तो देश का धन लूट जाएगा। पहले यह सोच थी कि सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन अब सोच यह है कि सरकार सबके लिए करेगी। अब सरकार समय और संसाधन का कुशल उपयोग कर रही है। आज की सरकार का ध्येय है देश और नागरिक पहले, और प्राथमिकता है वंचितों को वरीयता। इस साल का सिविल सर्विस डे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा समय है जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए, एक ऐसा समय है जब देश ने अगले 25 वर्षों के विराट विशाल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाना शुरू किया है। देश को आजादी के इस अमृत काल तक लाने में उन अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही जो 15, 20, 25 साल पहले इस सेवा में आए। अब आजादी के इस अमृत काल में उन युवा अधिकारियों की भूमिका सबसे बड़ी है जो अगले 15, 20, 25 साल इस सेवा में रहने वाले हैं। इसलिए मैं आज भारत के हर सिविल सेवा अधिकारी से यही कहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं।